जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने पर ऐतिहासिक सेरी मंच पर लोगों का हजूम देखने को मिला। लोग सुबह सुबह ही अपने घरों से निकलकर जयराम ठाकुर के शपथ समारोह को देखने के लिए सेरी मंच पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने शिमला से पूरा लाइव देखा। इस दौरान लोगों द्वारा जमकर पटाखे फोड़े गए। ऐतिहासिक सेरी मंच पर लोगों ने जमकर नृत्य भी किया और 11 बजते ही जब ऐतिहासिक रिज मैदान पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गोपनीयता की शपथ ली, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। इस दौरान जयराम ठाकुर सहित 12 मंत्रियों ने पद्म गोपनीयता की शपथ ली। सबसे पहले जयराम ठाकुर को आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पद्म गोपनीयता की शपथ दिलाई। उसके बाद ही 11 मंत्रियों ने शपथ ली। उसके पश्चात हिमाचल बीजेपी शासित राज्य बन गया। जयराम ठाकुर के बाद महेंद्र सिंह, किशन कपूर, सुरेश भारद्वाज, अनिल शर्मा, सरवीन चौधरी, रामलाल मार्कंडे, विपिन सिंह परमार, वीरेंद्र कंवर, विक्रम सिंह, गोविंद ठाकुर ने और राजीव सैजल ने शपथ ली। आपको बता दें कि जयराम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला सरवीन चौधरी को जगह दी गई है। मंत्रिमंडल में कांगड़ा को सर्वाधिक 4 मंत्री मिले। शपथ समारोह में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, पार्टी वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण अडवाणी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, कौशल मनोहर लाल कट्टर, आदित्यनाथ योगी के अलावा हिमाचल के सभी सांसद मौजूद रहे। इस दौरान कुलदीप ने बताया कि मंडी से जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने हैं, जिससे समस्त जनता में खुशी की लहर है। साथ ही उनके मुख्यमंत्री बनने से युवाओं में काफी उम्मीदें जगी हैं। उन्होंने कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने से गरीबों में काफी आकांक्षाएं हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो लोगों के हित के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। आज बहुत प्रसन्न हूं कि हमारी मंडी विधानसभा से हिमाचल का सीएम कैंडिडेट श्री जयराम जी आज चुने गए हैं। वो आज हमारे मंडी में काफी उत्साह का माहौल है। ये गरीब परिवार से उठे हुए हमारे सीएम कैंडिडेट, तो गरीबों की काफी आकांक्षाएं हैं उनसे कि उनके विकास के लिए भी कुछ काम हो। तो हमारे आशाएं हैं कि 5 साल का जो आने वाला समय है वो गरीबों के विकास के लिए समर्पित होगा। वहीं स्थानीय निवासी SR राजू ने बताया कि मंडी जिला से जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने पर जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली दफा पूरी कैबिनेट शपथ समारोह में पहुंचे हैं, जिसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करती हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल को इस बार एक नौजवान मुख्यमंत्री मिला है। उन्होंने आशा प्रकट करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने पर हिमाचल का संपूर्ण विकास होगा। ये बड़ा ऐतिहासिक समय है। आज जिला मंडी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, पूरे दुनिया के लिए ऐतिहासिक समय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने हमारे हिमाचल प्रदेश को नौजवान मुख्यमंत्री जिला मंडी से आजादी के बाद पहली बार दिया है। हम उनका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। पता है ये बड़ा ऐतिहासिक समय है, जो है वो लिखा जाएगा इतिहास में कि पहली दफा पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में पहुंची है। सारे राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। हमारे अनिल शर्मा जी मंडी से जो है कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया है। उसके लिए भी हम पूरे नरेंद्र मोदी जी का, पूरे हिमाचल प्रदेश के राज्य मंत्री मंडल का धन्यवाद करते हैं। साथ में ये ऐतिहासिक समय है जिला मंडी के लिए, एक नौजवान मुख्यमंत्री हिमाचल के लिए नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। उसके लिए हम मंडी वासी उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और ये आशा प्रकट कर रहे हैं कि जितने भी ये मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये मंडी जो छोटी काशी के नाम से जानी जाती है, स्वतः ही ये छोटी काशी के नाम से जानी जाए, इसमें टूरिज्म का जो आप बनाया जाए, इसके लिए हम ये पूरे पूरे आस लाके बैठे हुए जिला मंडी के अच्छा विकास हो गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज जिला मंडी में हम जो है पटाखे फोड़ करके लड्डू बांट कर जो है इस समारोह में जो है मंडी सेरी मंच के ऊपर बड़े ही धूमधाम से जो है मनाया जा रहा है। सिर्फ मंडी में ही नहीं, हर मंडी के बड़े बड़े में जो है पूरे सारा क्षेत्र में जो है इस समारोह को जो है मनाया जा रहा है। हम खूब नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं और सारे जो है छोटे बड़े सभी मिलकर जो है इस समारोह को मना रहे हैं। ये ऐतिहासिक समय जो है ये किताबों में लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा कि पहली दफा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के समारोह में पहुंचे हैं। पूरी वही चेतन शर्मा ने बताया कि जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने पर जश्न मनाया जा रहा है। आज मंडी के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे इस हिमाचल प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री जी
जयराम जी प्रभु जी बने हैं और मंडी के लिए एक बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। यहाँ पर कोई कांग्रेस या भाजपा का सवाल नहीं है, यहाँ पर जयराम जी का राज है। हम देख सकते हैं जयराम प्रभु जी से कि इस मंडी का, जो मंडी के साथ आज तक भेदभाव होता रहा है, वो खत्म हो और एक राज्य में एक समान विकास। उम्मीदें बहुत सारी है, जैसे युवाओं को रोजगार, नए उद्योग और सबसे ज्यादा ये जो हमारे हिमाचल में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है सारी, वो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। और हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा हुआ है तो हॉस्पिटल में भी सभी को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। और बस जयराम ठाकुर से ये उम्मीद है कि वो खरा उतरे, हमारी हमारे सब के जो हमने लोगों ने भरोसा किया उस पर खरे उतरे सब। खाली मंडी जिले को नहीं, पूरे हिमाचल को इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि एक निष्कलंक निष्पाप व्यक्ति एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है और जिले भर की सारी जनता ये चाहती है कि पिछले कई वर्षों से जो अपेक्षाएं मंडी को अपने नेताओं से, अपने मुख्यमंत्री से रहती थी, वो कभी पूरी नहीं हुई। और अब आशा है भी नहीं, पूरी उम्मीद है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और यहां से जो हमारे चुने हुए विधायक अपने जिले और पूरे प्रदेश के लिए इतना अच्छा काम करें कि आने वाले 20 वर्षों तक उन्हें कोई हिला ना सके।